ओवेन फेंग ने ओली का घर ढूंढ लिया था, लेकिन तेशी वहाँ पे सब कुछ सेट करके आया था। उसने अपने ईयरफोन का एक बटन प्रेस किया, तब ओवेन फेंग के हाथ में जो डिवाइस था वो ब्लास्ट हो गया। वो बहुत ही गुस्सा हो गया कि वो तेशी को नहीं पकड़ पाया, और तेशी यहाँ पे उसका चेहरा देखकर हंसने लगा। फिर ओली उसे बताता है कि तेशी, एक्चुअली मैंने तुमसे कुछ चीजें छुपाई है। जब तुम चले गए थे तब मैं एक एंटी रोबोट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गया था। वहाँ से मुझे पता चला कि ओवेन फेंग ऐसे बहुत सारे रोबोट्स बना रहा है जिसके अंदर मिक्स मेमोरीज हो। तब मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था, और खुद से भी, क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और यहाँ तक कि मैं इस नई टेक्नोलॉजी से भी हेट करता हूँ कि जो एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक असेसिन में बदल देती है। अब तुम मुझे मिल गए हो तो फिर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहना चाहता। तेशि कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम काफी लंबे वक्त से उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हो, लेकिन तुम्हें उसमें जुड़े रहना चाहिए, शायद आगे जाके हमें उससे मदद मिल सकती है। फिर सुबह हो गई, मिंगतियान और चुआन भी बियर पी पीकर यहाँ पर ही सो गए थे। मिंगतियान शायद सपने में तेशी से फाइट कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पे चुआन को घुसे और लाते लगाने लगा। तो फिर चुआन की नींद खुल गई और वो कहता है कि सुबह हो गई है, अब तुम भी जाग जाओ। तो फिर मिंगतियान जाग गया कि चलो ओली को ढूंढने चलते हैं। लेकिन जब वो दोनों टेंट में देखने गई तब वहाँ पे कोई भी नहीं था। ओली और तेशी ग्रेवयार्ड में आ गए थे, तेशी की सेमेट्री के पास। ओली बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं काफी बार यहाँ पे ही आता रहता था। तेशी कहता है कि ये तो कितनी हैंडसम फोटो है, और असलियत में देखा जाए तो पहले वाला तेशी अब मर चुका है। ओली तुरंत ही उसका मुंह कवर करता है और कहता है कि ऐसी चीजें मत कहो, तुम मेरे साथ रहोगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तेशी उसके दोनों गालों पे पिंच करता है और कहता है कि कौन जाने की आगे क्या होगा, तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो, तुम कितने बुद्धू हो। तभी तेशी ने कुछ नोटिस किया, वो तुरंत ही ओली को धक्का देता है। वहाँ पे हीफेंग ने उस पर हमला कर दिया था, तो फिर वो दोनों सेमेट्री के पीछे कवर लेते हैं। ओली कहता है कि लगता है वो पूरी तैयारी करके आया है। तेशी कहता है वो मरने ही आया है, और तुम भी आज मुझे निराश मत करना, और वो सामने से हीफेंग से फाइट करने चला गया। तेशी अभी ही हीफेंग को खत्म कर सकता है, लेकिन वो ओली को उसे खत्म करने का मौका देना चाहता है। वो हीफेंग पे जरा सा भी अटैक नहीं करता और हीफेंग का ध्यान अपनी ओर खींचता है। उस वक्त ओली भागकर हीफेंग के पीछे पहुंच गया और उसे शूट कर दिया। फिर अगले सीन में मोटो ग्रीन टी के चुस्किया लेता हुआ ताजा ताजा हवा खा रहा था, तभी उसे ब्रेकिंग न्यूज मिली कि हीफेंग का लाइफ सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो उसके मुंह से ग्रीन टी फवारा हो गई कि क्या, जल्दी से उसका लोकेशन मुझे बताओ और किसी को मदद के लिए वहाँ पे भेजो। यहाँ पे दूसरी ओर तेशी ने हीफेंग की पूरी बॉडी तोड़ दी थी और उसके अंदर से उसका मेमोरी चिप निकाल लिया, और वो ओली की ओर फेंका कि ये रहा तुम्हारा इनाम। लेकिन ओली अभी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, वो एकदम ही सदमे में चला गया था कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने उसे मार डाला है, मैंने एक इंसान को मार डाला। तेशी उसे शांत करने की कोशिश करता है कि जल्दी ही ये फीलिंग्स भी चली जाएगी, तुम एकदम ही ठीक हो जाओगे, लंबी लंबी सांसें लो और बैड मेमोरीज को भूल जाओ। लेकिन ओली की बॉडी अब भी कांप रही थी, वो शांत नहीं हो पा रहा था। तेशी उसे पीछे से गले लगाता है और कहता है कि डरो मत, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास हूँ ना।